मोगा से हमारे संवाददाता हरपाल सिंह ने बताया कि मोगा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने मोगा निवासियों से अपील की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक आदेशों की पालना करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पटाखों के धुएं से वातावरण खराब होता है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। वहीं उन्होंने पटाखे बेचने वालों से भी अपील की कि वह लोग प्रशासन द्वारा बताई गई जगह पर ही पटाखे बेचें और डिप्टी कमिश्नर साहिब से मंजूरी लेकर ही पटाखों का स्टॉक करें। त्योहारों में ट्रैफिक की समस्या के लिए मोगा पुलिस द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। शुभ दिहाड़ा दिवाली का साडा नेड़े आ रहा है, इस करके मैं सारे अपने जिला वासियों नूं इलाका वासियों नूं मैं बेनती करूँगा कि जी जिहड़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों डायरेक्शन हुई ने उन्हां दी आपां पालना करिए। दिवाली के दिन 6:30 to 9:30 तक पटाखे चलाउण दा हुकम होया हैगा ते उहनूं आपां इन बिन पालना कराइए, उस तो लेट ना करिए क्योंकि साडे एनवायरमेंट भी काफ़ी इफेक्टेड हुंदा हैगा क्योंकि आ टाइम हैगा जिहड़ा ठंड आ रही हुंदी है ते काफ़ी धुआं इकट्ठा हो जांदा उस करके। दूजा मैं अपने इलाके के जिहड़े पटाखा विक्रेता हैगे उन्होंने भी मैं निवेदन करूँगा कि जिहड़ी उहदी उन्होंने स्टोरेज करनी हैगी है वो डीसी साहब तो मंजूरी लैण तो बाद और प्रॉपर जिहड़ी स्पेशियस प्लेस से बाहर जिले तो मतलब सिटी एरिया तो बाहर रेजिडेंशियल एरिया तो बाहर करन जिहदे नाल आपां कोई भी अणसुखावी घटना जिहड़ी हुंदी है उस तो बच सकदे।